इलास्टिक रबर लगाने का ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। वेलकम बैक गाइस, हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इलास्टिक लगाने का सही तरीका, इलास्टिक रबर, जो कि कोई आपको टेलर नहीं बता सकता कि कैसे उसका जॉइंट होता है और कैसे लगता है। एकदम सिंपल और सरल तरीका, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है, तो आपको पता चलेगा कि पर एकदम इजी तरीका है। तो मिलते हैं अभी वीडियो में कि मैं कैसे इलास्टिक लगाता हूँ। ठीक है, बहुत से टेलर क्या करते हैं कि इसे इस तरह से जॉइंट मारते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसे ये ऐसा जॉइंट मारने से उभरा उभरा लगता है, कमर में चुभना चालू कर देता है। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। मैं आपको एक सरल तरीका और अच्छा तरीका बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे हो, ये दोनों पल्ले को सामने सामने ऐसे लगा देना है। उसके बाद एक सिलाई ऊपर की तरफ मारना, ऊपर की तरफ से चालू करना है मारना सिलाई। उसके बाद ऐसा एक सिलाई मार के सीधा करना है और इस प्रकार से हमें पूरा स्क्वायर बनाना है। पहले उसके बाद रफू के जैसा, जैसे कि हम रफू करते हैं मशीन के गियर से आगे पीछे कर करके उसे सिलाई मार देना है। यह तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, कौन सा भी टेलर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट हो चुका है। ये देखिए कितना साफ दिख रहा है ये, और ये चुभेगा भी नहीं। किसी को, बच्चे को या किसी भी ट्राउजर वगैरह में डाल दीजिए आप। अभी इसे लेना है इस प्रकार से, जो कि मेरे पास एक शॉर्ट्स था उसको मैंने खोल के सही कर रहा हूँ। उसका इलास्टिक लूज हो गया था, और ये आप चीज़ घर पे बैठे कौन से भी मशीन से कर सकते हैं। इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है और एक दाब का ही जगह रखना है इलास्टिक को, सिलाई मारने जितना ही जगह रखना है, क्योंकि आपका इलास्टिक कड़क बैठना चाहिए एकदम। और अभी हमें सिलाई मारना चालू करना है और इस प्रकार से पूरा सीधा सिलाई लगा देना है सही तरीके से, कि इलास्टिक, याद रखिएगा कि इलास्टिक के ऊपर ना सिलाई आ जाए, तो फिर आपको खोलना पड़ सकता है। और यहाँ से हमें खींच के इसको सीधा करना है, जो आगे का पल्ला है इलास्टिक का, ताकि अपने को आसानी लगे बिठाने के लिए, उसे सब पीछे की तरफ डाल देना है दाब के, ताकि बिठाने के टाइम आपको तकलीफ ना होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए कितने आसानी से बैठ रहा है इलास्टिक, कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो अपनी जगह पे जाके बैठ रहा है।
और ये हमारा इलास्टिक लग चुका है। और इसके खींच के सब सही कर देना है। इसकी क्रीज ये देखिए कितना परफेक्ट बैठा हुआ है। अभी हम मारेंगे यहाँ पे ऊपर सिलाई, जो कि आपके मशीन में जितना भी बड़ा टाका हो उसे फुल करके बिठा दीजिए और इस प्रकार से खींच खींच के सिलाई मार दीजिए बराबर इलास्टिक के बीचों बीच। ध्यान रखिएगा ज़्यादा मत खींच लेना, नहीं तो सुई टूट जाएगी आपकी मशीन की, ये भी ध्यान रख के करना है। और ये हमारा इलास्टिक की सिलाई भी लग चुकी है, बीच वाली सेंटर सिलाई। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे लगाया इलास्टिक, इलास्टिक का जॉइंट कैसे किया है। वो रफू स्टाइल में होता है, आप लोग को पता चल गया होगा। और देखते आगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।